नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग हब। दोस्तों आज आप 8 जून 2018 का हिंदू एडिटोरियल देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। आप लाइक करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, और शेयर करेंगे तो भी पैसा नहीं लगेगा। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करने पर भी आपको पैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले आप प्लीज़ हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा maths4ssc.com, जहाँ पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वायलेंस इन द हिल्स ऑन शिलोंग अनरेस्ट, जो हिल है, शिलोंग एक हिल स्टेशन है, तो वहां पे वायलेंस की घटना हुई है अभी, इसीलिए हेडिंग दिया वायलेंस इन द हिल्स। और शिलोंग जो अभी अशांति में अशांत हो चुका है। द मेघालय गवर्नमेंट मस्ट रिमेन फर्म अगेंस्ट नेटिविस्ट डिमांड्स इन शिलोंग। देखिए, जो नेटिविस्ट का डिमांड है शिलोंग में, उसके अगेंस्ट में, उनके उस डिमांड के खिलाफ में गवर्नमेंट, मेघालय गवर्नमेंट को दृढ़ होना चाहिए उसके खिलाफ में। द स्पार्क फॉर द वीक लॉन्ग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन डाउनटाउन, जो ये वायलेंस की जो घटना हुई है शहर का मध्य बिंदु में, शिलोंग में, वॉज अ लाइव स्प्रेड थ्रू व्हाट्सएप। ये जो घटना हुई, उस घटना का होने का रीजन है कि व्हाट्सएप में एक झूठ फैलाया गया था। द यूबिक्विचस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म दैट हैज इंक्रीजिंगली बिकम एन अनफिल्टर्ड मीडियम फॉर द हेट एंड र्यूमर मॉन्गरिंग। ये बोला जा रहा है कि व्हाट्सएप एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो कि सर्वत्र विद्यमान है, और ये एक अनफिल्टर्ड मैसेज एप्लीकेशन है जिसमें सच, झूठ, सही, गलत का कोई फिल्टरिंग नहीं होता है, और ये नफरत और र्यूमर मॉन्गरिंग यानी अफवाह फैलाने का एक मैसेजिंग टूल बन गया है। अ स्कफल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द मजाबी सिख कम्युनिटी लॉन्ग टाइम सेल्टर्स इन द पंजाबी लेन एरिया ऑफ द सिटी एंड खासी यूथ एंड हिज एसोसिएट्स ओवर अ लोकल मैटर वॉज एमिकेबली सेटल्ड बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कम्युनिटीज। देखिए हुआ क्या कि जो वहाँ पे शिलोंग में है, शिलोंग में एक एरिया है जहाँ जिसका नाम है पंजाबी लेन एरिया, स्वीपर्स कॉलोनी भी बोलते हैं उसको, तो उस एरिया में जो मजाबी सिख कम्युनिटी रहते हैं उनके बीच और लोक खासी यूथ वहाँ पे लोकल है, खासी यूथ और उनके सहयोगी, उनके बीच में कोई स्कफल हुआ था, हाथापाई हुई थी, झगड़ा झंझट हुआ था, उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके प्रतिनिधियों द्वारा मिल बैठ कर सुलझा लिया गया था, एमिकेबली यानी सौहार्दपूर्ण रूप से, ये यहाँ तक ये खत्म। बट अ फैब्रिकेटेड स्टोरी दैट द यूथ हैड स्कम्ड टू इंजरी सस्टेन्ड इन द स्कफल, ये लिखा जा रहा कि एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई और उसमें लिखा गया कि एक बंदे की मौत हो गई है उस स्कफल में, उस हाथापाई में। सकम्ड का मतलब होता मर जाना, मौत के करीब हो जाना, तो ये लिखा जा रहा हुआ यहाँ पे, मतलब उसकी मौत हो गई। अब देखिए, जब ये फैब्रिकेटेड स्टोरी बना दिया गया तो इसका कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए, होना होगा ही। तो ये लिखा लेड टू का मतलब होता है जब किसी घटना के वजह से कोई घटना होती है तो हम यूज करते हैं दिस लेड टू, मतलब किसके वजह से हुई, तो दिस लेड टू, तो यहाँ पे लेड टू है, तो क्या हुआ इसके लेड टू, लार्ज नंबर ऑफ खासी प्रोटेस्टर लेइंग सीज टू पंजाबी लेन। अब जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ खासी प्रोटेस्टर आ गए और पंजाबी लेन की घेराबंदी कर दी, डिमांडिंग दैट द सिख रेसिडेंट्स मूव फ्रॉम द एरिया, और उनका डिमांड करने लगे कि जो सिख कम्युनिटी एरिया है वहां से हटाया जाए उनको। दैट द सेटलर्स हैव बीन इन द शिलोंग फॉर मोर देन अ सेंचुरी एंड हाफ। देखिए बोला जा रहा है, ये जो सेटलर है, वहां बसने वाले लोग है पंजाबी सिख कम्युनिटी, वो सेंचुरी एंड हाफ यानी 100-150 सालों से वहां रह रहे हैं। Having been originally brought there by the British colonials to work as a manual scavengers and have since integrated themselves within Shillong. देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो having been originally brought, वहाँ पे जो British colonials है वहाँ पे काम करने के लिए उनको लाया गया था,
मैनुअल जो सड़क पर कूड़ा हटाने वाले लोग होते हैं, स्केवेंजर्स, स्केवेंजर्स मतलब सड़क पर कूड़ा हटाने वाले, और स्केवेंजर्स एक और होते हैं जो कि परभक्षी जो दूसरे के मांस को खा करके जिंदा रहते हैं, जैसे वल्चर, वल्चर मरे हुए प्राणियों को खाते हैं, वो स्केवेंजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे सड़क पर कूड़ा हटाने वाले थे उसी को, उनको लाया गया था ब्रिटिश कॉलोनियों में काम करने के लिए। एंड हैव सिंस इंटीग्रेटेड, और जब देखिए 150 सालों से वो वहाँ रह रहे तो डेफिनेटली वो अपने आप को इंटीग्रेट कर लेंगे शिलोंग में ही, तो ऐसा बोला जा रहा है कि वो ऑलरेडी वहाँ के हो चुके थे। हैज नॉट इंसुलेटेड देम फ्रॉम बींग डिस्क्राइब्ड एज आउटसाइडर, और ये बोला जा रहा कि जो उनको वहाँ पे लाया गया, बसाया गया, इतने सालों से वो रह रहे हैं, बट उनको कभी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि उनको आउटसाइडर ना बोला जाए, इंसुलेट नहीं किया गया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया इस चीज़ से उनको कि कोई डिस्क्राइब करे एज आउटसाइडर। The administration did well to protect the dwellers of Punjabi lane from physical harm, but more violence persisted until curfew was imposed and the army puts on a standby। ये देखिए administration ने अच्छा किया कि जो वहाँ dwellers हैं, रहने वाले लोग हैं, उनको physical harm से बचाया, और मॉब वायलेंस जो है, मॉब मतलब भीड़ होती है, भीड़ की जो हिंसा बट कायम रही, कब तक कायम रही, अंटिल मतलब तब तक कायम रही जब कर्फ्यू जब तक इम्पोज नहीं किया गया, लगाया नहीं गया, और आर्मी को स्टैंड बाय में रखा गया। स्पोक्स पर्सन ऑफ द खासी स्टूडेंट्स यूनियन, जो खासी स्टूडेंट यूनियन के स्पोक्स पर्सन है, हुज मेंबर वर पार्ट ऑफ द एजिटेशन, कंटिन्यूज टू इंसिस्ट दैट द पंजाबी लैंड रेसिडेंट्स बी मूव्ड फ्रॉम शिलोंग्स कमर्शियल हार्ट टू इट्स आउटस्कर्ट्स। ये बोला जा रहा है वहाँ पे उनका डिमांड था खासी प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स यूनियन का, कि जो कि आंदोलन में भी साथ आंदोलन में भी थे खासी प्रोटेस्टर स्टूडेंट यूनियन के सहयोगी और उनके मेंबर, और उनका डिमांड था और इंसिस्ट कर रहे हैं, जीत कर रहे हैं कि पंजाबी लेन में रहने वाले लोगों को शिलोंग जो कमर्शियल हर्ट है वहाँ से हटा के उनको बाहर बसाया जाए। देखिए फिर है क्या, पिक्चरेस्क शिलोंग इज नो लॉन्गर जस्ट एन आइडियलिक हिल स्टेशन। देखिए पिक्चरेस्क का मतलब प्रकृति मनोरम जहाँ पे सीन होते हैं, तो पिक्चरेस्क बोलते हैं उसको। तो पिक्चरेस्क शिलोंग जो अब प्रकृति मनोहर शिलोंग है अब आइडियलिक हिल स्टेशन नहीं रहा, इट इज बस्टलिंग सिटी दैट हैज ग्रोन इन अनप्लान्ड मैनर That has grown in an unplanned manner and requires reforms such as zoning regulation। देखिए ये बोला जा रहा है ना कि जो ये प्रकृति मनोहर मनोरम शिलोंग है अब आइडियलिक हिल स्टेशन नहीं रहा, नो लॉन्गर, एंड ये एक अब हलचल पैदा करने वाला सिटी, यहाँ पे बहुत हलचल हो इस सिटी में होती रहती है शिलोंग में, और क्योंकि ये That has grown in unplanned manner। ये एक unplanned manner में बढ़ता गया सिटी, ये जो बढ़ा है, requires reforms, इसको एक सुधार की ज़रूरत है, such as zoning regulation। zoning regulation तरह के कुछ ऐसे सुधार करने की ज़रूरत है। But the agitators demand to shift the Sikh residents is unreasonable and must be resisted। ये बोला जा रहा है कि जो आंदोलन करता है उनका डिमांड कि सिख रेसिडेंट्स को शिफ्ट किया जाए ये अनरीजनेबल है और इसको विरोध करना चाहिए, इट मस्ट बी रेसिस्टेड, इसका विरोध करना चाहिए। इन फैक्ट द मेघालय हाईकोर्ट हैड स्टेड एन ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स टू एविक्ट द रेसिडेंट्स फ्रॉम पंजाबी लेन ऑल्सो नॉन एज ए स्वीपर्स कॉलोनी इन 1986। 1986 में भी किया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वहाँ पे उनको एविक्ट किया जा रहा था, हटाया जा रहा था वहाँ से, बेदखल किया जा रहा था, बट वहाँ के जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट इस ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट मेघालय हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को 1986 में स्टे लगा दिया था। ट्राइबल एंग्स्ट ओवर इकोनॉमिक इशूज, एंग्स्ट ओवर के बारे में जैसे किसी के मन में किसी के बारे में डर बैठना, तो जो ट्राइबल है उनके मन में एक डर बैठा हुआ इकोनॉमिक इशूज को लेकर के, लीडिंग, और जिसके वजह से क्या होता है, लीडिंग मतलब उसके वजह से
लीडिंग टू एस्केप गोटिंग ऑफ नॉन ट्राइबल लॉन्ग टाइम रेसिडेंट्स रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्यूड फेलियर टू फोर्ज अ मोर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स इन मेघालय। देखिए अब जब उनके मन में डर बैठ गया इकोनॉमिक इश्यूज लेके, इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो स्केप गोट मतलब बलि का बकरा बनाना। अब जो नॉन ट्राइबल वहाँ लॉन्ग टाइम रेसिडेंट हो चुके हैं उनके उन पर रिफ्लेक्ट करता है, रेसिडेंट्स रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूड फेलियर टू फोर्ज अ मोर। अब देखिए जब जब नॉन ट्राइबल को कुछ भी नौकरी नहीं मिलती है, इकोनॉमिक वो पावर नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, तो उनका जो गुस्सा है निकलता है नॉन ट्राइबल जो बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, तो उन पे निकलता है। और ये भी दिखा रहा है कि जो इंक्लूसिव का मतलब होता है कि समावेशी मतलब सबको समान रूप से करना, तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का जो एक सिस्टम वहाँ पे मेघालय में जो राजनीति है वो कोई इंक्लूसिव प्लान नहीं बना पाई इसके लिए। टुडे देयर आर एनफ प्रोविजंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस फॉर द ट्राइबल पीपल। देखिए ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन सकारात्मक प्रोविजंस है आदिवासियों के लिए, जैसे कि 80% रिजर्वेशन फॉर खासी जेंटिया गारो एंड अदर ट्राइब्स इन द जॉब। 80% जॉब में रिजर्वेशन है इन आदिवासियों का। उन आदिवासियों में तीन प्रमुख नाम लिया गया है यहाँ पे, खासी जेंटिया गारो और अलग एंड अदर ट्राइब्स एंड प्रोफेशनल स्टडीज। देखिए जॉब में और प्रोफेशनल स्टडीज दोनों में इन आदिवासियों को 80% आरक्षण मिला। येट दिस कॉन्टेंट परसिस्ट ओवर द लैक ऑफ एडिक्वेट जॉब इन द स्टेट। बट क्या है कि फिर भी डिसकॉन्टेंट परसिस्ट मैंने टीका है, कायम है। डिसकॉन्टेंट मतलब असंतोष कायम क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ जॉब है, जॉब की कमी है, और स्पेशली इन अर्बन एरिया में मुख्य तौर पे। अ लेबर ब्यूरो रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इन 2015-16 फाउंड मेघालय टू हैव अमंग द हाईएस्ट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.4%। और लेबर रिपोर्ट के 15-16 के अनुसार जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 13.4% मेघालय में। डिसकंटेंट मतलब असंतोष। ओवर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट हैड लेड टू इंसिडेंट सच एज वायलेंट टारगेटिंग ऑफ बंगाली कम्युनिटी इन 1979 एंड नेपलीज इन 1987। ये जो असंतोष फैला हुआ उनके अपॉर्चुनिटी में कि लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो उनको अपॉर्चुनिटीज में उनकी कमी के वजह से जो असंतोष है इन सब वजहों से क्या हो रहा कि वायलेंस की घटना हो रही है। जैसे एग्जांपल में बताया गया कि 1979 में बंगाली कम्युनिटी पे हमला हुआ था और नेपाली कम्युनिटी पे 1987 में। मेनी ऑफ होम देन फ्लेड द स्टेट। उनमें से बहुत सारे लोग जो राज्य छोड़ के भाग गए। टू प्रिवेंट अ रिपीट ऑफ दोज इंसिडेंट्स द गवर्नमेंट मस्ट स्टैंड बाय एंड प्रोटेक्ट द सिख रेसिडेंट्स। और उन सब घटनाओं को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए और रिपीट नहीं करने के लिए गवर्नमेंट को स्टैंड बाय करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए, किसके, सिख रेसिडेंट्स के। और एंड नॉट गिव इन टू द नेटिविस्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द प्रोटेस्टर। और जो नेटिविस्ट प्रोटेस्टर उनके आर्ग्यूमेंट के साथ झुकना नहीं चाहिए प्रशासन को। एंड एज काम इज रिस्टोर्ड और जैसे ही शांति बहाली हो जाती है मेघालयस पॉलिटिशियंस एंड सिविल सोसाइटी लीडर मस्ट फॉर्ज अ मोर इंक्लूसिव विजन फॉर द स्टेट्स डेमोग्राफी। और जैसे ही शांति बहाल होती है जो मेघालय का राजनीति और सिविल सोसाइटी वहाँ की है उनको एक इंक्लूसिव विजन जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से एक बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो कम्प्लीट होता है यहाँ पे। आशा है आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा और काफ़ी अच्छे वर्ड्स भी आपको मिले होंगे इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और अगर ये आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।